मेवात जिले के ढाडौला गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरी जानकारी मिलने के बाद आज इस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाडौला गांव में एक अजीब प्रजाति का जानवर ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। इससे पहले इस तरह के जानवर को गांव के लोगों ने देखा नहीं था। जैसे ही गांव के लोगों को इस जानवर के बारे में पता चला तो इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आखिरकार सोहेल नाम के पढ़े लिखे नौजवान ने जीव जंतु विभाग की टीम से संपर्क किया और साथ ही पुलिस विभाग से भी इस जानवर के बारे में बातचीत की। दोनों विभागों के अधिकारी ढाडौला गांव में पहुंचे और वन्य जीव जंतु विभाग की टीम के मुताबिक यह जानवर कब्र बिच्छू है, जो एक कीकर के पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है। उसे रेस्क्यू करने के लिए वन जीव जंतु विभाग की टीम के पास उपकरण नहीं होने तथा स्टाफ की संख्या कम होने के कारण देर शाम तक जानवर को रेस्क्यू नहीं किया गया। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से इस संदर्भ में बातचीत की। उसके बाद सोहना स्थित कार्यालय में वन जीव जंतु विभाग की टीम टॉर्च, जाल, पिंजरा इत्यादि उपकरणों के साथ गांव के लिए रवाना हुई। देर शाम तक भी ढाडौला गांव के SHO वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ डटे रहे। बताया जा रहा है कि यह जानवर किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं करता है। गांव के समीप पहाड़ का इलाका है, इसीलिए कहीं बाहर से घूमता हुआ यह जानवर गांव की आबादी में आ गया है और जान बचाने के लिए भीड़ के डर से कीकर के पेड़ पर चढ़ गया। जानवर को पेड़ से नीचे उतारने के लिए कई घंटे तक रेस्क्यू जारी रखा और ग्रामीणों की भीड़ उसे देखने के लिए जुटी हुई थी। वन्य जीव जंतु विभाग की टीम की मदद करने के लिए SHO दलबल के साथ गांव में डटे रहे। ढाडौला गांव में हाजी सपात के मकान के समीप कीकर के पेड़ पर यह जानवर पेड़ की चोटी पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी पूरी तरह से पहचान नीचे उतरने या पकड़े जाने के बाद ही हो सकेगी कि यह जानवर कौन सी प्रजाति का है। आखिरकार यह जानवर तेज रफ्तार में पहाड़ों की तरफ भाग गया और वन विभाग की टीम अपने हाथ मलती रह गई। अगर आपके पास है कोई खबर तो हमसे संपर्क करें। आपको बता दें कि यह खबर हम आपको कल भी दिखा सकते थे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण यह खबर आपको आज दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और ये जानवर आपने पहली बार देखा है? हाँ जी, मेरा नाम सलीम खान है। ये पहली बार ये जानवर देखा है, इसलिए ज्यादा कुछ दिमस हुआ इसके लिए। और ये पहली बार देखा है इस गांव में, इसलिए ज्यादा धुमस हुआ पड़ा है। आपके गांव में जो जानवर है कैसे दिखाई दिया था, कितने बजे आया था और अब क्या बताया जा रहा है, टीमें कितनी देर बाद आई? तो ये सुबह 12 बजे दिखाई दिया था यहाँ पर गांव में। तो फिर गांव के लोगों ने मुझे बताया तो मैंने वन विभाग का नंबर इंटरनेट से लिया तो सर से बात की थी कि हमारे गांव में कुछ अजीब किस्म का जानवर आया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम देख गया था ना, इसलिए इसकी थोड़ी सी गांव में ना भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। फिर मैंने फ़ोन किया सर से, इसका व्हाट्सअप दिया फोटो खींच कर, तो वो आए तो उसने कोई किसी कोई खतरा वतरा नहीं है, बीज हुए इतनी बात है।